रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पूरे दमखम से उतरेगी। 2024 में चुनाव की तैयारियों को देखते हुए पार्टी ने अपने संगठन का विस्तार किया है। झारखंड में नए प्रदेश अध्यक्ष डब्लू महतो के नेतृत्व में संगठन का विस्तार करेगी। इसके साथ ही सभी जिलों में पार्टी के कार्यकर्ताओं के सहारे पार्टी को मजबूत किया जाएगा। जब चुनाव होगी तो एक अलग रूप में चौंकाने वाला परिणाम देगी और हमारा ये कम से कम टारगेट है कि हमारी पूरे झारखंड प्रदेश में 10 से 15 सीट के बीच में हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। क्योंकि पार्टी यहाँ भले ही नहीं है पर महाराष्ट्र में बहुत पुरानी है और वहाँ हमारा बीजेपी के साथ गठबंधन है। नगर निगम का चुनाव हुआ था इससे पूर्व तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पर गठबंधन में चुनाव लड़ी RPI और BJP। तो मुझे अनुमान है और पूर्ण विश्वास है कि 18 जी के नेतृत्व में या BJP साथ हमारी गठबंधन भी होगी और गठबंधन हुई या ना हुई, गठबंधन हुई तो भी ठीक है, गठबंधन नहीं हुई तो भी हम लोग 10 से 15 सीटों में पूर्ण मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीत के भी हम लोग आएंगे। हमारे 2024 में हमारे विधायक होंगे, पहली कार्यकारिणी का विस्तार किया जा रहा है कि माननीय मंत्री रामदास अठावले जी 3 महीना पहले मुझे अध्यक्ष का पद दिए थे। इसी बीच कोरोना काल था इसलिए हम लोग आगे विस्तार नहीं कर पाए। आज पहला विस्तार हम लोग कर रहे हैं कार्यकारिणी बैठक का। इसके तहत हम लोग आज नई प्रदेश कार्यकारिणी में प्रदेश वरीय उपाध्यक्ष सुजीत कुमार। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।